हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरे मटर की दाल की रेसिपी। बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देर नहीं करते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हरे मटर की दाल बनाने के लिए हमने ले लिया है 2 कप ताज़े हरे मटर, 2 टमाटर लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च। टमाटर और हरी मिर्च का हम पेस्ट बना लेंगे। साथ ही हमने 1 चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। तो हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने रख दिया है कुकर। इसमें हमने 2 टेबलस्पून ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। साथ ही ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा अच्छे से क्रैक हो गया है। इसी के साथ इसमें हम 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हींग। हींग से दाल में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और तीखा के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रहे हैं। और अब इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ये मसालों को रोस्ट करेंगे। और अब इसी के साथ इसमें हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है मसालों से। तो बस इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे हमने 2 टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च का पेस्ट बना के तैयार कर लिया था। और इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे हम तब तक भुनेंगे जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो इसके ऊपर हम इस तरह से लीड लगा लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक रोस्ट होने देंगे। जब तक मसाले रोस्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मटर को ग्राइंड कर लेते हैं। तो मटर को हम इस तरह से बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड करेंगे। इसे हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, तो हम इसे कोर्सली ही ग्राइंड करना है। इसमें खड़े मटर रहेंगे तभी दाल अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है ये भी अच्छे से भून गया है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। तो इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है मसालों से। बस इस स्टेज पर इसमें हम ऐड कर देंगे ग्राइंड किया हुआ मटर। तो यहाँ पे हमने सारे मटर को इसमें ऐड कर दिया है और अब इसे मसालों के साथ मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। तो हम इसे लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लिए हैं और मसालों के साथ ही अच्छे से मिक्स हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं भूनना है। तो इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे हम 2 कप फ्रेश मटर लिए थे, उसमें हम 4 कप पानी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इतना पानी परफेक्ट होगा और हमारी जो दाल है बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 4 कप पानी ऐड कर दिए हैं और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो आप इस दाल को फ्रेंड्स रोटी के साथ, चावल के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स दाल इतना टेस्टी होता है ना कि इसके साथ आपको कोई भी सब्जी सर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस दाल के साथ चावल और रोटी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका लीड लगा लेंगे और लीड लगा करके 1 विसल आने तक इसे हम कुक करेंगे। गैस के फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुकर में 1 विसल आ गया है और यहाँ पे हमने इसे ठंडा कर लिया है। और आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है ना अच्छे से कुक हो गई है। आप इसका लुक देख सकते हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही टेस्टी ये दाल बनके तैयार हुआ है और बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स। ना तो बहुत पतला है ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पर हम 1 टीस्पून नमक ऐड किए हैं, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे गर्म मसाला और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला लास्ट में ऐड करते हैं फ्रेंड्स, ताकि इसमें गरम मसाला का फ्लेवर जो है वो बना रहे। तो अब लास्ट में हम ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हरा धनिया और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे हरे मटर की दाल बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी दाल है फ्रेंड्स। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म। यहाँ पे हमने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब इसे और टेस्टी बनाने के लिए हम इसके लिए तैयार करेंगे तड़का। तो यहाँ पर हम तड़का पैन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून घी। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं 1/2 टीस्पून जीरा और साथ ही इसमें हम 2 स्लाइसेस में कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जीरा और हरी मिर्च रोस्ट हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हींग और इसी के साथ इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे दाल में बढ़िया सा कलर आएगा। तड़का हमारा तैयार है फ्रेंड्स। इसको हम दाल के ऊपर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी हरे मटर की दाल तैयार हो गई है। आप इसे रोटी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही अच्छी सिंपल रेसिपी है। अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।